लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के बाद एसएसपी की बड़ी कार्यवाही। दो थानों के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज। हत्यारोपी पर पास्को एक्ट का मुकदमा शिकोबाद थाने में था दर्ज। घटना उत्तर कोतवाली के तिलक नगर की है, जहां रहने वाली एक किशोरी के साथ अगस्त 2019 में शिकोबाद में रेप की वारदात हुई थी। इस घटना में आचमन उपाध्याय नामक एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, लेकिन आचमन उपाध्याय आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। हालांकि उसकी कुर्की हो चुकी है। इसी दौरान वह लगातार पीड़ित के पिता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। 1 फरवरी को भी उसने धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं किया तो वह 5 दिनों में उसकी हत्या कर देगा। और आरोप है कि 10 फरवरी की रात में उसने तिलक नगर में ही घर के समीप रेप पीड़िता के पिता को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद एसएसपी ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 कोतवाल और कोटला रोड चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मेरा नाम बंटी है सर। गोली मार गया वो, इनको मुकदमा चल रहा था सर 4-5 महीने से। इनकी लड़की के साथ रेप किया था उसने, तो मुकदमा चल रहा था उत्तर था सुखावा शंभू नगर में। तो पता नहीं आए, वो घर पे एक ने खबर की थी कि वो मार डले हैं, तो हम गए तो ले गया यहाँ पर। उसने सुभाष नाम है मेरा। ये बताइए जो गोली लगी है कौन है तुम्हारे? पता नहीं है। क्या क्या किसने क्या हुआ था? किसने गोली मारती है? छोटू नाम है, आचमन फाते हैं। कहाँ का रहने वाला? तिलक नगर का ही। कहाँ पर गोली मारी है, किस जगह? तिलक नगर में। किस बात को लेकर गोली मारी है? अरे पहले उसके नाम है FIR थी इसमें, इसलिए। आज क्या घटना क्या हुई, आज क्या बात हुई थी? आज यही बात हुई थी, उसने 5 दिन पहले मतलब सब लोगों को मतलब अटल्ट कर दिया था कि मतलब कि 5 दिन में गोली मार देगा। आज कितनी तारीख है? धमकी कब दी थी उसने? उसने दी थी 1 तारीख को धमकी। आज 10 तारीख है? आज 10 तारीख है। 5 दिन की बात की थी, आज 10 तारीख को गोली मारी। उत्तर में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, उस संबंध में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, कल ये उत्तर थाना क्षेत्र में जो रात में मर्डर घटना हुई है, बहुत ही गंभीर घटना है। सभी लोग मौके पर भी गए थे, घटनास्थल पर भी गए थे, और घटनास्थल पे जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को लापरवाही देखने को मिली है, उसके आधार पे कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर शिकोहाबाद, इंस्पेक्टर उत्तर और चौकी इंचार्ज, इन 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। क्योंकि इस घटना में जो है पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई शुरू में। इसके अतिरिक्त परिवार के तहरीर के आधार पर इसमें तत्काल हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और जो हमारे अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 5 टीमें लगाई हैं। SOG टीम लगी, सर्विलांस की टीम लगी है। कल रात से ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोगों को इसमें कुछ आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। जल्दी ही मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेंगे और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।